मध्य प्रदेश खजुराहों की श्रृंखला में आज हम आप पहुंचे हैं ज्वारी मंदिर पे, जो कि विष्णु भगवान को समर्पित 1100 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पर दिखाए गए हैं काफी सारे ऐसे मूर्तियां, शिल्प कलाएं, जिसको देखने के बाद में आज हम भी सोच विचार में पड़ जाते हैं और उनके पीछे छुपे हुए साइंटिफिक लॉजिक को सोचिएगा और बताइएगा कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। सबसे पहले हम ज्वारी मंदिर के बाहरी नजारे को यहीं से देख लेते हैं। आप देखेंगे कि किस प्रकार से जमीन से थोड़े से ऊंचे स्तर यानी कि जगती पर इसे बनाया गया है और इस मंदिर को जिस तरीके से अलंकृत किया गया है, जिस तरीके से इसको सुसज्जित किया गया है, वो काफी ज्यादा आकर्षित बनता है। यहां पर यदि मैं एक एक चीजों को बारीकी के साथ में आपके सामने लेकर आऊं तो इन्हें कहा जाता है कीर्तिमुख नजरबट्टू, यानी कि जिससे नजर ना लगे। अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है, मंदिर की सुंदरता की तारीफ करता है, तो नजर को फेरने के लिए काम में आता है। ऊपर की तरफ देख सकते हैं किस प्रकार का डिजाइन उकेरा गया है पत्थरों पे। और अब मैं आपको बिना समय जाया किए ले चलता हूं उन मूर्तियों की तरफ में, जिसको अक्सर लोग कामुकताओं की अधिकांश नजरों से देखते हैं। अब आप इस पूरे तलपट्टी पर अपनी नजरों को लेकर जाइए और नीचे वाले हिस्से में आपको भगवानों के अवतार देखने को मिलेंगे, विष्णु भगवान, शिव भगवान। और इसके ऊपरी हिस्से में यदि आप एक कॉर्नर पे अपनी नज़रें लेकर जाते हैं तो वहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से जो कपल है उसमें जो लड़की है वो हस्त मैथुन कर रही है अपने मेल पार्टनर का, और लड़के के चेहरे पर देख सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन का जो भाव है वो बिल्कुल भी देखा नहीं जा सकता है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि वो आफ्टर डिस्चार्ज के बाद में उसकी उस प्रतिमा को दिखाने की कोशिश कर रहा है। और अब आप लेकर जाएंगे अपनी नजरों को इसके उल्टे हाथ की तरफ, जहां पर आप देखेंगे कि एक महिला और एक पुरुष आपस में संभोग कर रहे हैं और महिला का हाथ जिसके ऊपर रखा हुआ है उसे अक्सर लोग इस नजरिए से देखते हैं कि जिन पर हम कपड़े धोते हैं उस नीचे वाले को बनाया गया पोर्शन को, और जो व्यक्ति खड़ा है वो किसी पटरी पर खड़ा हुआ है, यानी कि ऊंचे स्थान पे खड़ा हुआ है। इससे ये तात्पर्य बनता है कि जो व्यक्ति है वो शायद उस समय का कोई विशेष मतलब दर्जे का रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि विष्णु भगवान के अवतार को दिखाने की कोशिश की गई है काफ़ी बारीकियों के साथ में। और अब आइए आप यहाँ के उस आकर्षण पे, जहाँ पर एक माँ और एक बच्चे के प्रेम को दिखाने की कोशिश की गई है, इस मूर्ति पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से माँ ने मुस्कुराते हुए अपने बच्चे को गोद में उठाया हुआ है और वो कितनी ज़्यादा खुश है। साथ में शार्दुल का चित्र दिखाया गया है। अब ऊपर वाले हिस्से पर देखिए, दोनों कपल एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कपल ने अपनी फीमेल पार्टनर के ब्रेस्ट को टच किया हुआ है। और इसके बाद हम आते हैं थोड़ा आगे की तरफ। इस प्लेट पर जब हम अपनी नज़रों को लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आकर्षण का जो सबसे ज़्यादा बिंदु बनता है वो है इसका ऊपरी भाग। यहाँ पर राइट में जिसका मुंह बैल जैसा आपको दिखाई दे रहा है, नंदी जैसा का मुंह दिखाई दे रहा है, इन्हें कहा जाता है अंतरिक्ष के रक्षक, और मंदिर के 8 तरफ इसको बनाया जाता है। अब आपकी नजरें ले आते हैं इसके बिल्कुल पीछे वाले छुपी हुई इस मूर्ति पे, जहाँ पर एक प्रेमी जोड़ा आपस में दूसरे से बात कर रहे हैं। लड़के ने फीमेल पार्टनर का हाथ पकड़ा हुआ है और उससे कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा एरोटिक की जो बात है वो तब आती है जब आप अपनी नज़रों को थोड़ा सा उल्टे हाथ की तरफ इन अप्सराओं के बिल्कुल पिछले हिस्से में लेकर जाएंगे। और दोस्तों, इस पूरी मूर्ति के पीछे का जो इतिहास है, जो इसके पीछे की बातें, वो बहुत ज़्यादा बारीक हैं। यहाँ पर संभोग का जो पोस्चर दिखाया गया है वो तो अक्सर लोग देख लेते हैं, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक ये बनता है कि उस मेल पार्टनर ने अपने फीमेल पार्टनर को पानी के ऊपर, यानी कि जो संभोग का एरोटिक का जो पूरा पोस्चर है वो दिख रहा है, इसे बोलते हैं जल संभोग बोलते हैं, जो आज के टाइम में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस तरफ आप देखेंगे विष्णु भगवान का बड़ा सुंदर एक रूप दिखाया गया है, ऊपर की तरफ शिव भगवान का रूप दिखाया गया है, उनके परिवार को दिखाने की कोशिश की गई है। अब हम आपकी नज़रों को इसके और भी वैभवशाली
मूर्तिकला पर लेकर जाएंगे। सबसे पहले इसके निचले पैनल को हम देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि फीमेल्स ने, अप्सराओं ने किस प्रकार से अपने ब्रेस्ट को स्पर्श किया हुआ है, किस प्रकार से वो अपने निप्पल के साथ में प्ले कर रही हैं, जिसे कहते हैं कि अपनी बॉडी के साथ में खुद से प्ले करना, यानी कि अपने अंदर उठने वाली अभिलाषाओं को अपने खुद के हाथों से संतुष्ट करना, जिन चीज़ों को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। ऊपरी नज़ारे को जब आप देखेंगे सेकंड पैनल में, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि जो तीसरी लेडी है उसके हाथ में कुछ सामान है, यानी कि मेकअप का कुछ सामान उसके हाथ में दिखाई दे रहा है। इसके राइट वाली जो मूर्ति है वो एक स्टैंडिंग पोजीशन में त्रिभंग स्टाइल में खड़ी है और इतरा रही है। और इसके पीछे छुपी हुई जो मूर्ति है, वहाँ पर जो पार्टनर है उनकी कुछ नोक झोंक हुई है, तकरार हुई है, और उसके बाद में गुस्से में वो पार्टनर पीछे की तरफ भाग रहे हैं। इस वाले हिस्से में देखिए बारीकियां, मूर्तिकार ने, शिल्पकार ने कितनी बारीक दिखाने की कोशिश की है कि माँ अपने बच्चे के साथ में गोद में उसको लेकर खेल रही है। लेफ्ट की जो फीमेल है उसके हाथ में कुछ लोटा सा है, जिससे कि वो नीचे वाली उसकी दासी को पानी पिलाने की कोशिश कर रही है। साथ में उसने अपने ब्रेस्ट पे हाथ रखा हुआ है। जूड़ा देखिए आप इसका, कितने सुंदर तरीके से बाल बनाए गए हैं, उसको आभूषण है, कानों में अलंकरण देख सकते हैं। एक एक चीज को दिखाने की कोशिश की गई है। ऊपर का जो सेकंड पैनल है वहां पर आप देखेंगे तो महिला अपने ब्रेस्ट के साथ खेल रही है। कुछ लोग इसको देखकर ऐसे बताते हैं कि उस समय ये अपने ब्रेस्ट पर चंदन की मसाज किया करते थे। एक ये जो मेल पार्टनर है, जो राजा रानी है या जो उस समय के जो कपल्स हैं, वो उसकी योनि में टच कर रहा है, उसको बैक तरफ से उसको पकड़ा हुआ है, जिससे पता लगता है कि उसकी बॉडी के एक्यूप्रेशर को क्रिएट कर रहा है, यानी कि बॉडी के एक पॉइंट पर पिंच करने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर आप ऐसा समझ सकते हैं कि इन्हें योग और साधना के भी अलग अलग मोड्स बताया गया है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो एरोटिक्स यहाँ पे चित्र बनाए गए हैं, जितनी भी यहाँ पे ये शैली देखने को आपको मिल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स के उद्देश्य से नहीं बनाए गई हैं, लोगों को समझ देने के लिए बनाए गए हैं। उस समय की योग साधनाओं के भी अलग अलग यहाँ पे आपको अलंकरण मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके चौथे वाले हिस्से में, जहाँ पर और भी कुछ बारीकियाँ हैं। ये देखिए किस प्रकार से सुंदर भगवानों के, देवी देवताओं के चित्रण हैं। और यहाँ पे आकर्षण का जो लोगों का बिंदु बनता है, वो बनता है सेकंड इसके पैनल में। कपल जो है हस्त मैथुन के अलावा मुख मैथुन करता हुआ भी चित्र यहाँ पे बनाया गया है। और इसके बिल्कुल राइट में आप देखेंगे कि इस देवता के बॉडी पर जो घंटी बनाई गई है कड़ियों के साथ में, उसको बॉडी पर दिखाने की कोशिश की गई है। इसके राइट में आप आ जाइए, जो इन दो मूर्तियों के पिछला जो मूर्ति का भाग है उसको देखने की आप कोशिश कर सकते हैं। वहाँ पर भी वो आपस में दूसरे को गले लगा रहे हैं, हक कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें क्या थी? ये होता था चंदेल शासकों के द्वारा जब इस मंदिर को बनवाया गया, तो उनका उद्देश्य बड़ा विशेष रहा होगा। इन चीज़ों के पीछे एक ऐसा लॉजिक है जिसको अगर आप गहनता से देखते हैं तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं। चंदेल शासकों ने इस मंदिर को 1075 से लेकर 1000 यानी कि 1100 तक के समय बनवाया, और इन मंदिर को बनने में तकरीबन 20 से 25 वर्ष लगे हैं। अब हम इस मंदिर के अंदर वाले हिस्से में आते हैं, जिसे बोला जाता है मंडप। मंडप का जो ऊपरी भाग है उसे हम बोलते हैं मकर तोरण बोलते हैं, जहां पर राइट और लेफ्ट की तरफ में बहुत सारे मिश्रण के साथ में मगरमच्छ, चूहे के कान और हाथी के सूंड बनाकर इसको बनाया जाता है, ताकि जब कोई भी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करे तो वो बिल्कुल शुद्ध होकर आए। और जैसे ही आप अंदर आएंगे तो ऊपर की तरफ इसका बारीकी के साथ में क्रिएट किया हुआ एक जो डिजाइन है वो देख सकते हैं, और इसी प्रकार का डिजाइन यहां पर भी उकेरा गया है, बनाया गया है। ये जिस हिस्से पे हम खड़े हैं इसे बोला जाता है आपका अर्धमंडप और अंतराल का जो हिस्सा है। और ये मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें अलंकरण बहुत अच्छा है। यहां पर माँ गंगा, ये द्वारपाल बताए गए हैं, ये फीमेल द्वारपाल हैं। इनके ऊपर शेषनाग का ये चित्र देख सकते हैं आप, जो मूर्तियां उकेरी गई हैं। और इसी के साथ में ये विष्णु भगवान के साक्षात अवतार हैं शेषनाग के उसमें फॉर्मेशन में। और यहाँ पर देखिए कपल युग खड़े हैं पास में और अलग अलग तरीके से बॉडी को स्पर्श कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ब्रेस्ट इनको प्रेस कर रही है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ऊपरी नजर पे लेके जाएंगे तो शिव भगवान का यहाँ पे मूर्ति को तराशा गया है, विष्णु भगवान नीचे गरुड़,
और यहाँ पे नव ग्रह दिखाए गए हैं, चार एक तरफ, तीन एक तरफ, और राहु केतु को बिल्कुल एंड में दिखाने की कोशिश की गई है, और कॉर्नर पे हैं आपके ब्रह्मा जी। और कुछ और बारीकियां हम देखते हैं तो ये पूरी जो पट्टी बनी हुई है, यहाँ पे कपल एक दूसरे के साथ में काफी क्लोज उनके रिलेशंस होते हैं वो दिखाए गए हैं। ये नृत्य की अलग अलग देखो डांस फॉर्म दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरी पटल के अंदर। और इसी के साथ में अपनी नजरों को जब इधर लेकर जाएंगे तो म्यूजिशियन आपको मैं दिखाता हूँ उस समय के, ये देखो ये डांस के हैं, और ऊपर की तरफ लेकर जाइए यहाँ पर ये ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, ऊपर की तरफ वो फ्लूट बजा रहे हैं, ये सारे के सारे म्यूजिशियंस हैं ये। और मंदिर के अंदर वाले भाग में जाने से पहले नीचे लक्ष्मी माता और गणेश भगवान कार्तिकेय अलग अलग अप्सराएं दिखाई गई हैं। इसे बोला जाता है चंद्र वाला भाग जो चांद की फॉर्म में होता है। यहाँ पे कलश बने हुए हैं, यहाँ पे शंख बने हुए हैं, अंदर आते हैं और विष्णु भगवान को समर्पित वेंकुट जो रूप है विष्णु भगवान का सीधे जो धारण किया हुआ है, इनका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आज के समय में बताते हैं कि अक्रांताओं ने और समय के बीतने के साथ में वो चीज यहाँ से नष्ट हो गई है, तोड़ी जा चुकी है, टूट चुकी है। और देखिए विष्णु भगवान की कितनी सुंदर प्रतिमा को यहाँ पर अलग अलग आभूषणों के साथ में दिखाने की बताने की कोशिश की गई है। और इसी के अलग 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 हिस्सों को देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे विष्णु भगवान के अवतार दिखाए गए हैं, अप्सराएं, सुंदरियां और हाथी, नरसिंह, ये सब अवतारों को यहां दिखाने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की गई है। इसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप उस समय के जो कारीगर थे उनकी कुशलता, बारीकियां और उनकी मेहनत, लगन को समझ सकते हैं कि वो ये चीजें बनाई जाती थी। अक्सर जब लोग यहाँ पर आते हैं तो अपनी अलग अलग अनुभव के साथ में बताते हैं कि जितने भी ये मंदिर बनाए गए थे योग साधना के लिए बनाए गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि इनके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक बनता है कि इस हिस्से पे जितने भी तंत्र विद्या थे वो यहाँ पे हुआ करती थी, उसमें योग साधना को लेकर उन सभी चीज़ों को एक मैसेज देना था इन फ्यूचर की जनरेशन के लिए, या उस समय का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर था उसको दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। ऊपरी हिस्से में यहाँ पे देखेंगे कमल पुष्प के साथ में चारों कॉर्नर की तरफ नजर बट्टू बनाए गए हैं, कीर्तिमुख बने हुए हैं, जिससे कि इस पूरे मंदिर को बहुत सुंदर अलंकृत किया गया है। तो दोस्तों जब आप इन मंदिरों में आते हैं तो इनकी बारीकियों को पकड़िए और देखिए कि ये जो मूर्तियां वो क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या सिर्फ कामुकता की तरफ बढ़ाना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं। यहां पर कामुकता के साथ में योग को, उस समय के फोकस्ड को और उस समय के इंसान के जीवन के जो चार काम होते हैं धर्म, काम, उसके बाद में इंसान जब आगे बढ़ता है तो अर्थ होता है उसकी जिंदगी का कोई ना कोई, और फिर लास्ट में उसको मिलती है मोक्ष, यानी कि जिस समय वो अपने जीवन के सारे काम निपटा चुका होता है और भगवान के दर पर जाता है और उसको चाहिए होती है सिर्फ मोक्ष यानी कि शांति। उस चीज को एक संदर्भ हमें यहां पर आज देखने को मिलता है। तो इस पूरी मध्य प्रदेश की इस श्रृंखला के अंदर हमें उन बारीकियों को देखने का मौका मिल रहा है और आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।